देखिए यहाँ पे केला खाते हुए बिल्कुल बंदर की तरह, ये देखिए यहाँ पे बंदर जो है झपट रहे हैं केलों पे। और ये उनतड़ के भी दो लोग यहाँ पे। हेलो बुली, हाय कर। हेलो गाइस, तो कैसा लग रहा है आपको नागटी बजाने में? बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है, आप पहली बार आ रहे हो? नहीं। अच्छा, केला खा लो। बिल्कुल इनका चैनल भी कर देना। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक बहुत ही विशाल पत्थर, पिछली बार हम इसके ऊपर चढ़े थे गाइज फोटो खींचने, इस बार भी चढ़ेंगे। तू यंग रहा वीडियो गाइज, आपको पता है इसका साइज क्या है? ये हनुमान जी ने उठा के यहाँ पे रखा था। कुछ भी, मजाक कर रहा हूँ गाइज। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ पेड़ से चढ़ा, अबे पिछली बार भी मटा पता ना, हमने मेन ना अब मैं याद आई गाइज, पिछली बार हम पेड़ पे से चढ़ के आए थे लेकिन इस बार पत्थर पे से ही चढ़े डायरेक्ट। हाथ दे दे भाई, मैं पहुंचाऊंगा। बस ये देखे यहाँ पे पांच चमोली पहुंच चुके हैं माउंटेन एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पे ये ऊंधे ना पड़े तब चोट गाइस, भरोसा नहीं आएगा, खुट्टी लड़ गए तो बंगाल की खाड़ी में भी पहुंच सकते हैं। निवेदन है कैमरा घुमाइए, कैमरा चल रहा है। हाँ जी, ये हमारी हालत नहीं है, पहले आप गए थे यहाँ पे, जो लोग गए थे अभी उन्होंने फेंका होगा ये। अच्छा, ये जंगल आपके हैं, ये पर्यावरण आपका है, इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले। तो ये जो है बोतल किसने फेंकी है, किसकी बोतल है, किसकी है? पानी की भैया। हाँ लेके चलो इसको भैया। आप कहाँ से हो? मैं पौड़ी से हूँ। पौड़ी गढ़वाल से? पौड़ी गढ़वाल। कैसा लगा आपको नागटी पे? बहुत अच्छा, बहुत दर्शन हो गए नाग देवता के, बहुत है। और बोलो नाग देवता की जय, जौनपुर की जय, पौड़ी गढ़वाल की जय, भाईगढ़ की जय। चलो नागटी ट्रिप जय। ये जो है ना आप लोग फेंको मत, ठीक है? ये भी जा रहा है भाई, हम उठा रहे हैं, हम अपना कूड़ा उठा रहे हैं, आप लोग भी तो उठाओ। हम भी बैग सर चार निकल के फेंक दी। ब्लॉग बना रहा हूं क्या? से तुम हिमांशु जौनपुरी, सब्सक्राइब कीजिए अभी, सब्सक्राइब आ जाओ मेरे मोनेटाइज। या तू तू मैं तो ना, तू नंबर लिख मेरा 97 बस 10 नंबर हो गया। तो गाइस बहुत समय बाद एक बुरांस का फूल दिखा हमें, रेड कलर का, बहुत ही सुंदर। तो इसी प्रकार का रेड कलर का एक बटन है, उसे दबा दीजिए, वो भी शायद अब काला हो चुका है, रेड नहीं रहा। ये देखिए काफी खूबसूरत फूल, मन को मोहित करने वाला। तो गाइस हमने जो है आधा सफर कंप्लीट कर लिया है, अब बस आधा बचा हुआ है, आधा क्या, आधा से भी कम बचा हुआ है। और आज बारिश की संभावना भी काफी ज्यादा है, ये देख सकते हो आप, बादल आए हुए हैं, और अगर बारिश आ गई तब तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हमको तो ऐसा लग रहा था कि, लेकिन भगवान नाग देवता की कृपा रही तो बारिश शायद नहीं होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। गाइज ये देखिए व्यू चेक करो गाइज, भाई साहब ये देखिए, ड्रोन होता तो क्या सिनेमेटिक था गाइज। जल्दी सब्सक्राइब कर, तो एक ड्रोन भी आ जाएगा जल्दी जल्दी से आएगा बिल्कुल। और पेड़ देखिए यहाँ पे काफी खूबसूरत पेड़, जैसे बरगद का पेड़ होगा। ड्रोन के लिए हम आशा करेंगे कि हिमांशु भाई के लिए बहुत ही जल्दी ड्रोन आए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का हिमांशु भाई कुछ भी होगा आपके मुंह में घी सक्कर के साथ कुछ भी मदद करेंगे। हाँ उन्होंने यहाँ से फाल मारी थी इसलिए यहाँ का नाम अत्रु बैंड पड़ गया। उनकी हटकी भी नहीं मिली ढूंढने पे। अत्रु की हत्या हुई और अत्रु ने सुसाइड किया क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। और यहाँ पे क्रिस नोटियाल फोटो खींचते हुए, वो भी पत्रिष्ठा की, वो भी पत्रिष्ठा की फोटो खींचते। पत्रिष्ठा जी फोटो खींचिए आप, पत्रिष्ठा शर्मा गई। पत्रिष्ठा समरा गई। अजीत है भारत माता की जय, अन्न जहाँ का। हेलो माजा एक ही, यहाँ पे देखिए लड़ाई करते हुए गाइस, माजा के लिए लड़ रहे हैं। माजा को पीने में मजा नहीं आया क्योंकि गर्म हो गया, मजा नहीं ये।
और ये माजा मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी कहते हैं क्या जी? हाँ गाइज, वो यही वाला माजा है जिसे राहुल गांधी पूरे देश को देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब प्रधानमंत्री ही नहीं बनते तो ये माजा देश को देंगे कैसे? Hey guys, welcome back to this new vlog. Yes. अब ब्लॉग का ठेका हमने पकड़ लिया है और हिमांशु जौनपुरी जी आगे चले गए हमारे साथ, हमारे मित्रगण साइड के लो हटा क्रिश पार्थ अभी मैं हूं यही गौरी और सुस्ती चांदनी अभी हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, बात मेरी हर स्टेप पे ढल रही है। अभी काफी पैदल चलना है तो चलते हैं बल। गाइस यहां पे देखिए किंगोड़ी का बहुत ही बड़ा पेड़, लेकिन इस पे एक भी पेड़ ही कहेंगे हम, इसे पेड़ घोषित कर दिया गया है। ये देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा किंगोड़ का झर है। तो गाइस मैं और पार्थ आ चुके हैं आगे और बाकी लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। अभी ये देख सकते हो आप, रास्ता पूरे बांज के पत्तों से भरा पड़ा है। आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा कभी यहाँ पे आने का तो जरूर आइए, बिल्कुल आइए। आपको पटाल दिखाएंगे और आपको भी बहुत ही बड़ी पटाल दिखाएंगे, मतलब जिसे कहते हैं पटो। और इतना मस्त नजारा है ना, आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हो सकता है आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो पिछले साल वाली वीडियो में देखा होगा, बट वो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। नहीं नहीं, दुनिया में तो मिल सकता है बट हाँ उत्तराखंड में। गाइज अब आपको एक ऐसा पहाड़ दिखाने वाला हूँ, आप अचंभित रह जाओगे, जैसे मेरा बिल्कुल चौंक जाओगे आप, जैसे ये चौंक गया क्योंकि इसने पहली बार देखा। तो देखिए गाइज चेक दिस आउट गाइज, बिल्कुल खड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत, देखिए हिमालय पर्वत पे किसी की हिम्मत नहीं है इस पे चढ़ने की। यहाँ पे एक भाई मिले हमें, ये कह रहे हैं यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्राई किया और कई लोग तो यहाँ पे मतलब अपनी जान गंवा बैठे थे। और इसके ऊपर तो जब जाते हैं वह नीचे देख के बहुत ज्यादा डर लगता है, कसम से छंद देगा। तो गाइज यहाँ पे एक पेड़ भी है और यहाँ पे सिक्के लगाते हैं इस पेड़ पे। अभी ये पार्थ चमोली यहाँ पे सिक्का लगाएंगे एक, ना तू लगा। तो ऊपर से बल बाहुबली की तरह जो पहाड़ है बाहुबली में, बिल्कुल इसी प्रकार का। और देखिए इस पे कितने सारे सिक्के लगाए हुए हैं, ले ये पकड़ तेरे बस एक नहीं। अबे अभी चले लगा था भर चढ़े नहीं खैर। गाइस इधर देखिए जो 10-10 के सिक्के हैं उनके जो बीच का है वो गायब हो गया है, और मुझे लगता है इस पे पुराने जमाने के सिक्के भी होंगे। हम ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, जोर से मार जोर से। देखिए पार्थ सिक्का डालते हुए। गाइस पुराने जमाने के कोई सिक्के तो दिख नहीं रहे हमें अभी, लेकिन ये जो 2 रुपए का सिक्का है ये काफी ज्यादा पुराना लग रहा है हमें। नहीं, सन तो इस पे दिख नहीं रहा हमें, पुराना काफी है। और ये देखिए 10 के सिक्के का जो बीच का वो किसी ने उड़ा दिया या खुद ब खुद उड़ गया। मैं लगा लू, रुक जा। ये देखिए एक यहाँ पे, ये भी बहुत ज्यादा पुराना सिक्का है, देख के ही पता चल रहा है। और ये तो और भी पुराना है, इन पे नंबर भी नहीं दिख रहे अब, इतने पुराने सिक्के हैं यहाँ पे। यहाँ पे सभी सिक्का लगाते हैं। लो तेरा सिक्का उन दो है भाई, रहेगी नहीं टेंशन ले। ये भाई ना दिल ना देता, अब छोटो माता ले, छोटा नहीं बहुत बड़ा है। और यहाँ पे सभी लोग ले देंगे एक मेरी बहुत लास्ट लेंगे हम। ये है निक्की, ये है हिमांश जौनपुरी भाई, ये है पार्थ कालू। और बहुत हार्ड है यहाँ पे सिक्का डालना, ये ऐसे पत्थर से डाल रहे हैं अंदर, एक खत्म सिंह जा नहीं रहा गाइस। फोन खास पर है भाई, रुक जा रुक जा, ये चेयर पर डाल। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से डाल रहे हैं, इनको एक्सपर्ट है। यहाँ पे सिक्के डाले हैं 20 साल का जोर, ये जो ये दुल्ला देवता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अबे यार एक भी सही नहीं। और हमें भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ये दुल्हा देवता है और दुल्हन का पता नहीं है अभी। दुल्हन देवी आगे मिलेगी, उनका पेड़ आगे होगा। हाँ देख सकते हो आप ऊपर से नीचे तक एकदम सज गई है। बोलो नाग देवता की जय, नाग देवता की जय। बोलो नाग देवता की जय। आज क्या है गाइस, अब यहाँ से फाल मारने वाले हैं, ये देखिए 1 2 3 ये मैं जीत गया। तो गाइस यहाँ पे पार्थ का जूता फट गया है और ये साधन हर बार अपने साथ रखते हैं। देखिए ऐसे लोग होने चाहिए जो साधन अपने पास रखे। और मैं इतने धीरे से कमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकाई लग चुकी है तुम्हारे भाई को। इस बार ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया मैंने रास्ते में,
ये देखिए फेविक्विक को लगाएंगे आपको जो दो एपिसोड मिलेंगे गाइस देखने के लिए। बिल्कुल दो पार्ट मिल सकते हैं आपको। जूता दिखाएंगे जरा कहाँ से, ये देखो गाइस बताओ बताओ हद हो गई गाइस, रास्ता ही ऐसा है, जूता फट गया, नीचे पे फट गया था गाइस, यहाँ पे पानी पिया, यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है। तो गाइस अभी हम ले चलते हैं आपको एक बड़े से पत्थर के ऊपर, यहीं पे से देखिए आप, बड़ा सा पत्थर, कितना बड़ा पत्थर है गाइस ये देखिए। गाइस अभी तो ये कुछ नहीं है, नीचे से देखोगे तो ये अभी निकल चुके हैं सब। भाई जी गाइस थोड़ी देखिए सब्सक्राइबर ओहो करते हुए मुझे देख के, इधर इधर हमें बहुत बढ़िया वीडियो कर दो, वीडियो कर दो ये टकराती हुए गाइस, क्या बोला तूने, ये टकराती हुए गाइस। आज मैं तुम्हें नाकी पर ले चलती हूँ, चलो बीबी नाकी पर ले चलो ना मुझे, हमें ना अच्छी अच्छी फोटो खींचेंगे, चलो बीबी है, और डंडी भी ले चलोगे मुझे, मेरे पैर में काफी दर्द हो गया, मुझे गुंगा ले चलो बीबी, गुंगा ले चलो। नहीं अभी तक गाइस ये कह रहे थे इन्हें लव हो रखा है, क्या है बताओ उसका नाम क्या है, किसको फिदा हो गया आप गाइस, इसकी गर्लफ्रेंड थी आस्था, वो इसकी टकली मुंडी देख के इंप्रेस हो गई थी। ये देखिए गाइस जितना नजदीक आ रहे हैं इनसे इंतजार नहीं हो रहा और कूद पड़े हैं ये रड़ा घुसड़ी खेलते हुए। ये देखिए सभी टूरिस्ट लाइन लगा के जा रहे हैं, एक एक हाथ का फासला। देखिए नीचे नाग देवता का मंदिर, भव्य मंदिर गाइस, दूसरी बार यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।